हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्राइम गेम स्टार। दोस्तों, प्राइम गेम स्टार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी मॉडल्स यूज़ किए हैं मैंने, वो सब द लर्निंग वेस के हैं। और कुछ कुछ मॉडल्स जो है, जैसे कि ये आप गेम प्ले में देख सकते हो, ये मॉडल द लर्निंग वेस के नहीं है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ न्यू प्लेटफॉर्म शेड्स। आई गेस मैंने 4 या 5 प्लेटफॉर्म शेड्स आप लोगों के लिए रेडी किया है। तो गाइस, आई होप सो आप लोग जो है प्लेटफॉर्म शेड को पसंद करोगे। आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इसके वजह से ही आए होंगे, आप लोग को पसंद आया इसलिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा, क्योंकि उसमें से 2 जो प्लेटफॉर्म शेड्स है वो एकदम रियल इंडियन रेलवेज़ के है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म शेड में जो है स्टेशन का नाम ऐड किया है। अगर आपको स्टेशन के नेम के साथ और भी प्लेटफॉर्म शेड्स चाहिए, या प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन के नेम बोर्ड्स चाहिए, तो मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हो। तो जितने मैं टॉप 10 जो होंगे कमेंट्स, सबसे पहले जो 10 कमेंट्स होंगे, उन 10 कमेंट को जो है मैं लूँगा। और उन 10 कमेंट में से जो है, अगर कोई मुझे स्टेशन का नाम दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो मैं उस स्टेशन के नाम पे जो है या तो प्लेटफॉर्म शेड बनाऊंगा। वैसे मुझे स्पेसिफ़िकली बता देना प्लेटफॉर्म शेड या स्टेशन बोर्ड चाहिए आप लोगों को। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई थी वो द लर्निंग वेस के मॉडल्स थे। इस तरह के मैंने जो क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाया, वो सब द लर्निंग वेस के मॉडल्स से ही दिखाया मैंने। तो गाइज़, आप गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। और साथ में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ गाइज़, मैंने ये वीडियो जो है 10 दिन बाद अपलोड किया है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। इन 10 दिनों में जो है मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं। आई होप सो मेरे 30 के आसपास सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं। आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर का भी जो है आंकड़ा पूरा कर दिया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ गाइस। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और भी जो लोग नए हों वो लोग भी जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और गाइस, इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 150 लाइक्स। हाँ दोस्तों, आई होप सो आप लोग जो है कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है लाइक कर दो और कमेंट में कर दो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज़, यहाँ पर ये वीडियो को पूरा देखो गाइज़। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको जो है स्टेप समझ में आ जाएगा, और नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, 110% श्योर। तो गाइज़, चलिए देखते हैं। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हो मैं जेड आर्चीवर में आ चुका हूँ। तो गाइज़, जेड आर्चीवर में आपको सबसे पहले आना है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक जेड आर्चीवर का। तो जाकर जल्दी से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए जेड आर्चीवर APK। तो गाइज़, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्लेटफॉर्म शेड्स बनाया है, मतलब रिपेंट किया है, इसका एक्चुअल क्रेडिट जाता है गेमिंग एंड इन्फोवर्ल्ड को। मैंने उनका चैनल का लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड नाम का फोल्डर रखा है। तो इस फोल्डर के अंदर जो है मैंने 2 जिप फाइल रखा है, irplatformshed.zip और irplatformshed2.zip। तो इन दोनों को जो है आपको मल्टी सिलेक्ट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको जो है कट या कॉपी कर लेना है। मैं सिंपली कट कर लूँगा। कट करके मुझे बैक जाना है, डिवाइस मेमोरी में जाकर जो है मुझे एंड्रॉयड में चले जाना है। सबसे पहले एंड्रॉयड में जाने के बाद डेटा, फिर com.n3b के बाद फाइल्स, यूज़र डेटा, ओरिजिनल वाले फोल्डर में जाकर हैश बनाकर आपको जो है पेस्ट कर देना है। आप कोई भी हैश बना सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो गाइज़, इसमें मैंने पासवर्ड रखा है, दोनों में भी अलग अलग पासवर्ड है, तो पासवर्ड को ध्यान से देख लेना गाइज़। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक्सट्रैक्ट हियर करना है। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद जो है आपको पासवर्ड क्या मांगेगा, वो पासवर्ड को आप ज़रूर से ध्यान से देखो गाइज़, क्योंकि बहुत जन जो है मतलब कि देखते नहीं है पासवर्ड, और फिर जो है कमेंट में बोलते हैं कि गलत पासवर्ड है। तो गाइज़, ध्यान से देखो और स्क्रीनशॉट ले लेना गाइज़। तो यहाँ पर जो है आपको SHED शेड दे के आपको स्पेस दे देना है। तो यार देख लो, शेड कैपिटल में आपको शेड लिखना है और स्पेस दे देना है, तो फिर डन कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख लेना, सेम ही आपका लिखा हुआ होगा। ओके कर दो। ओके करने के बाद जो है आपका सक्सेसफुली डिकम्प्रेस्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, irplatformshed2 को आपको डिकम्प्रेस करना है। तो उसको आपको जो है एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो फिर से आप देखो पासवर्ड क्या है, SHED shed 2। तो यहाँ पर शेड 2 डाल के आपको कुछ स्पेस नहीं देना है, शेड और 2 के बीच में स्पेस देना है, और उसके अलावा और कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है गाइस। उसके बाद जो है आपको ओके कर लेना है।
तो यहाँ पर ओके करने के बाद जो है गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो आई आर प्लेटफॉर्म शेड एंड प्लेटफॉर्म शेड टू दोनों भी डिकम्प्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट ऑल कर लेना है, दोनों को सिलेक्ट करके आपको कट कर लेना है, कट करके आपको पेस्ट करना है दोनों फाइल्स में से आपको कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैं कट कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर जो है मेरा चार प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। आपको यहाँ पर जाना है, बैक जाने के बाद जो है एसेट्स TDX को डिलीट करना है। अगर वो डिलीट नहीं करोगे तो आपका जो है मतलब जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो स्कैन नहीं करेगा गेम, और स्कैन नहीं करेगा तो वो आपके गेम में इंस्टॉल नहीं होगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एसेट्स TDX को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद गेम को रिसेंट ऐप से हटा देना है गाइज़, मैंने भी हटा दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर मैं आपको गेम में फिर जो कि बताता हूँ कहाँ है मेरा प्लेटफॉर्म शेड्स। गाइज़ यहाँ पर जो है मैं गेम में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैनिंग इंस्टॉल कंटेंट, मतलब मैंने जो कंटेंट डाला है वो स्कैन कर रहा है मेरा गेम। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई भी एक रूट में चले जाऊँगा। नॉर्मली यहाँ पर मैं एक रूट में जाकर जो है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एडिट सेशन में चले जाऊँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या नेम से आपको जो है ये प्लेटफॉर्म शेड्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाने के बाद यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में जाके जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आपको जो है मिल जाएगा, आपको नॉर्मली IR प्लेटफॉर्म शेड सर्च करना है। तो यहाँ पर गाइज़ आपको IR प्लेटफॉर्म शेड में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज़, यहाँ पर देख सकते हो IR प्लेटफॉर्म शेड 1। तो यहाँ पर देख लो प्लेटफॉर्म शेड ये 1, ये रेड और ब्लैक वाला आप लोग जो पसंद आया था बहुत सब लोगों को वो। फिर प्लेटफॉर्म शेड 2, ये प्लेटफॉर्म शेड 2 है गाइज़, देख लो गाइज प्लेटफॉर्म शेड 2। उसके बाद गाइज़ आप लोगों को 3 भी दिखा देता हूँ गाइज़। तो ये है गाइस लाइट ब्लू में गाइस, ये एकदम इंडियन रेलवे जैसा मैं बनाने का ट्राई किया पर बना नहीं उसका, सॉरी। उसके बाद प्लेटफॉर्म शेड 4। तो गाइस इसमें जो है आप देख सकते हो मैंने नेम भी चेंज कर दिया है, रायपुर जंक्शन कर दिया है। अगर आपको और भी अलग अलग नेम्स के चाहिए तो मुझे वो भी बता सकते हो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। बहुत जनों को जो है नहीं आता नाम चेंज करना। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म शेड्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ गाइस फटाफट से। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि गाइस अगर वीडियो को लाइक करोगे तो आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इस मोटिवेशन से जो है मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स और अच्छे अच्छे जो है एडन्स लाते जाऊँगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।